हाय दोस्तों, नमस्कार। ये चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा होगा कि एकदम से मार्केट के अंदर जो उछाल के साथ एकदम से बॉटम लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। हाँ, डेफिनेटली। तो ये एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी ऊंचे प्राइस पर ट्रेड करता था एक टाइम पे। अगर मैं प्राइस दिखाऊं तो ये आ रहा है लगभग 400, 450, 400 के करीब। 373 का यहाँ पर अगर मैं कर्जर लेके आता हूँ तो ये 393 का प्राइस है, लगभग ऑलमोस्ट 400 रुपये का। और आज का अगर प्राइस देखेंगे तो ये ट्रेड कर रहा है लगभग 12, 13, 14, 15 रुपये पे। तो इसने लगभग एक डेढ़ साल से इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर इतना मोमेंटम जो दिखा कि शेयर इतना गिर गया, तो डेफिनेटली कोई बड़ी खबर आई होगी और उसके बाद से शेयर के अंदर इतनी धूमधड़ाका हुई। तो आज की डेट में अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 क्वार्टर में जो नहीं था वो इस क्वार्टर में उन सभी क्वार्टर्स को बीट करके इतना ज़्यादा हो गया है। तो डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक लिमिटेड की। आप सभी जानते हैं यस बैंक लिमिटेड काफ़ी ऊंचे प्राइस पे पहले ट्रेड करता था और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉटम लाइन है वो काफ़ी नीचे आ गई है। और बॉटम लाइन का सबसे बढ़िया रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ करीब 400 रुपये पर ये ट्रेड करता था एक टाइम पे, और अब ये ट्रेड कर रहा है 14-15 रुपये पे, 13 रुपये पे। हालांकि इसने बीच में एक 16, 17, 18 और 26, 29 रुपये का भी हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद इसका जो बॉटम लाइन था वो 5 रुपये तक भी गया था। और उसके बाद इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी लंबे टाइम से। अगर मैं देखूँ तो लगभग 13, 14, 15, 16 रुपये की रेंज में घूम रहा है। और आज जो इसके नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। और डेफिनेटली आप इसके अंदर, क्योंकि पुराना बैंक है और उसने जो रिकवरी की होगी वो बहुत अच्छी की है, उसको एक्सपीरियंस है, शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है, कंपनी के बिजनेस के अंदर गिरावट नहीं आ सकती है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस करते हैं हमारे और आपके जैसे इम्प्लॉयज़ करते हैं। शेयर के अंदर जो गिरावट आती है वो न्यूज़ की, खबर की, कोई लॉस की, कोई बड़े लॉस की। तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि यस बैंक के अंदर जो प्रोमोटर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो ओनर्स थे उनके पुराने, और उसके बाद से शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट आई। और आप देख सकते हैं 400 रुपये से लेकर के लगभग ये 300 रुपये और सॉरी 200-300 रुपये के प्राइस के बाद उसके बाद सीधा 2-3 रुपये और 5 रुपये तक का भी प्राइस दिखा। एंड देन आप उसके बाद देख सकते हैं आज के लिए 13-14-15 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आइए क्या न्यूज़ है वो एक बार देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यस बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का, यानी कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो 300%, 355 रुपये से भी ऊपर का हो गया है, और जो 207 करोड़ रुपये का है और हाईएस्ट है वो पिछले 10 क्वार्टर का। यानी कि जो ये न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आज हालांकि मार्केट बंद होने के बाद इसके रिज़ल्ट आए, लेकिन मंडे डेफिनेटली इसके अंदर बहुत अच्छी बूम आने वाली है। तो इस शेयर को आप नोट कर दीजिए, यस बैंक लिमिटेड। काफ़ी पुराना अनुभव है इन्हें मार्केट का और बहुत अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता था एक टाइम पे, लेकिन कुछ खबरों के कारण ये बॉटम लाइन को टच कर गया। और डेफिनेटली इसने बहुत अच्छे रिटर्न आज जनरेट किए हैं, और जो आज रिजल्ट आए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं 207 करोड़ रुपए का क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 207 रुपये का, 7 करोड़ रुपये का हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है। पिछले 2 या 1.5 साल से आप देखेंगे ये बॉटम लाइन पर टच कर रहा था और काफ़ी नीचे प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बीच में इसमें कुछ खबरें आई थी कि कोई इक्वायर कर रहा है, तो इसने बूम वगैरह आया था और 129 रुपये तक के प्राइस के बाद दोबारा से ये इसके प्राइस को 13-14 रुपये और 15 रुपये के प्राइस पर रहा। तो डेफिनेटली अब आप मंडे को इसके अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद यस बैंक आपको बहुत अच्छे उम्मीदों पे खरा उतरेगा जो आने वाला टाइम है। तो डेफिनेटली क्योंकि कंपनी को पुराना अनुभव है मार्केट के अंदर काम करने का, कुछ खबरें जो आई थी, जो कुछ इश्यू हुए वो डेफिनेटली हुए, और उसके बाद आज कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो डेफिनेटली शेयर शेयर होता है, और अगर वो एक कदम या दो कदम पीछे ले तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हार मान गया है। उसने डेफिनेटली अपने काम करने का तरीका नहीं बदला, उसको काम करने का तजुर्बा है, और आज उसने कर दिखाया। और जो आप रिजल्ट में देख सकते हैं वो है 207 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सो ये थी यस बैंक के ऊपर एक छोटी सी कवरेज। थैंक यू।